आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसका मतलब आपने इस वीडियो पे टच किया, इसका मतलब आप भी जानना चाहते हैं CDS क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे CDS का फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका सारा डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जिन्हें देश के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू रहते हैं। ऐसे भारतीय CDS की परीक्षा देते हैं। CDS की परीक्षा क्या है, कौन यह परीक्षा दे सकता है और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ पे CDS। तो CDS क्या है? CDS यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा। यह परीक्षा वो उम्मीदवार देते हैं जिन उम्मीदवारों को भारतीय सेना में दाखिल होना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना के तीन अंग हैं, एक सेना और दूसरा वायु सेना और तीसरे की बात करें यहाँ पे नौसेना। ये भारतीय सेना के तीन अंग हैं। इन तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में अधिकारी पद पाने के लिए CDS की परीक्षा देनी जरूरी है। CDS की परीक्षा UPSC के द्वारा कराई जाती है। इसकी परीक्षा दो चरणों में होती है, पहली लिखित परीक्षा होती है और दूसरी इंटरव्यू के तौर पर लिया जाता है। यह परीक्षा UPSC के अंतर्गत आता है और यह संस्थान ही CDS की परीक्षा को आयोजित कराती है। जो उम्मीदवार लिखित और इंटरव्यू दोनों में सफल होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेज दिया जाता है। UPSC का काम सिर्फ परीक्षा कराने तक ही सीमित रहता है। यह परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है, लेकिन जैसे हर परीक्षा के कुछ पात्रता मापदंड होते हैं वैसे ही CDS पात्रता भी निर्धारित की गई है। CDS की परीक्षा उम्मीदवार अलग अलग भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए होते हैं। तीनों सेना में अलग अलग पात्रता मापदंड हैं और जो उम्मीदवार सारे CDS पात्रता मापदंड को पूरा करता है वही उम्मीदवार CDS परीक्षा के योग्य माना जाता है। इसे जानते हैं CDS पात्रता मापदंड क्या है। CDS शैक्षणिक योग्यता भारतीय सेना एकेडमी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अधिकारी अकादमी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। भारतीय सेना एकेडमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इस एकेडमी के लिए केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स के साथ बेसिक या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इस एकेडमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ +2 में मैथ और फिजिक्स विषय होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। CDS की एज सीमा की बात करें तो यहाँ पे भारतीय सेना एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 25 साल का होना चाहिए। यहाँ पे उम्मीदवार का वायु 19 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। और भारतीय नौसेना एकेडमी के लिए बात करें तो यहाँ पे उसका एक वर्ष बढ़ा दिया गया है, मतलब 19 से 25 है। मतलब भारतीय नौसेना एकेडमी के लिए आपकी उम्र 9 से 25 वर्ष होनी चाहिए। वायुसेना एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 24 साल का होना चाहिए। फिर यहाँ से वायुसेना की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वर्ष फिर घटा दिया गया है, मतलब 19 से 24 साल के बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप वहां पे नौकरी पा सकते हैं। आधिकारिक परीक्षा एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 25 साल का होना चाहिए। CDS परीक्षा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा दो चरणों में होती है, पहला लिखित परीक्षा का चरण और दूसरा इंटरव्यू होता है। यह परीक्षा UPSC के अंतर्गत आती है और तीनों सेना की परीक्षा इसी के अंतर्गत होती है। अगर उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। अब हम आपको CDS परीक्षा के पैटर्न के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से विषय होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और जो परीक्षा लिया जाता है वह कितने घंटे के होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट जो होता है वह 100 अंक का होता है, सामान्य विज्ञान भी 100 का होता है और प्राथमिक गणित की बात करें तो यहाँ भी 100 अंक का है। और समय की बात करें तो यहाँ पे तीनों का समय जो है 2-2 घंटा है।
और यहाँ पे इसके अलावा आधिकारिक परीक्षा एकेडमी के लिए होने वाले परीक्षा अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर आधारित होता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान दो ही सब्जेक्ट के अनुसार ही परीक्षा लिया जाता है और दोनों में 100-100 अंक होते हैं और दोनों का समय सीमा बात किया जाए तो यहाँ पे 2-2 घंटा दिया गया है। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।